नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। जिले में चोरों का आतंक फैला हुआ है। आए दिन चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं। बड़ी चोरियों के आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। ताजा मामला अमहिया थाना क्षेत्र के पीटीएस चौराहे का है, जहां सोने आवास का ताला तोड़कर बदमाशों ने सोने और चांदी के जेवर पार कर दिए। बताया जाता है कि बदमाशों ने आज महिला पत्रकार के आवास को निशाना बनाया है। बताया जाता है कि सुषमा पांडे का परिवार बाहर गया था, जिनके घर का ताला तोड़कर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी कैमरे और साइबर की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये सबल जो है, पेंट का निशान उसमें मैच कर रहा है, ये लगाई गई। यहाँ ये दीवार का कलर मैच कर रहा है, चोरी जो होती है बर्तन वर्तन नहीं लिखा, बर्तन का लेवल क्या बाहरी है, यहाँ के नहीं है। तो वो भर नहीं डिस्टर्ब किया था, बाकी ये पूरा खाली कर दिया था दोनों लॉकर। नाम आपका? निक्की। निक्की। और किसी तरह से अंदर पूरा टूटा पड़ा, ये पूरे कपड़े नीचे पड़े हुए। तो वो उस समय का भी वीडियो जो हम लोग घुसे हैं तब बनाया है वो वीडियो। हमारे यहाँ गमी हो गई थी और हमारे यहाँ एक्चुअली दो फंक्शन थे, जिसमें से बड़ी सास माँ मेरी डेथ हो गई थी उनकी 31 तारीख को। तो उनका शुद्ध 9 तारीख को था शुद्ध कर्म और 11 की 13वीं। तो हम लोग यहाँ से सुबह 7:30 बजे, मैं और मेरा बेटा सुबह 7:30 बजे यहाँ निकल गए, क्योंकि कुछ शुद्ध कर्म की कुछ प्रक्रिया बाकी थी। तो बेटी को नहीं, 9 को शुद्ध था। तो यहाँ अपना कुछ करा के कुछ शाम की पूजा करनी थी बेटी को, और चूँकि बड़े भाई के बड़े बेटे की सगाई थी तो उसको वहाँ जाने के लिए हम लोग यहाँ छोड़ गए। तो उसने शाम का जो भी पूजन पाठ किया और वह यहाँ रही। और 10 तारीख को भैया के यहाँ सगाई थी बेटे की, तो दूसरे दिन 2:30 बजे बेटी भी निकल गई। तो घर एक तरह से लॉक था पूरा, घर पर कोई नहीं था। और 10 तारीख को चूँकि वो निकल गई थी यहाँ से, तो लॉक था पूरा घर। और मैं वहाँ से 11 तारीख की 13वीं थी सास माँ की, तो मैं 12 को शाम को 4:30-5 बजे निकली हूँ। और यहाँ रात को, चूँकि हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम था बस का, वो रात का 1:30 बजे था, पक्षी रात से हम लोग आए हैं। लेकिन दो जगह टायर फटा उसका और हम लोग 1:30 की जगह 3 बजे यहाँ पहुँचे। तो रात में 3 बजे पहुंचे। तो 13 था जब हम लोगों ने लॉक खोला, तो सामने से ही पूरा दिख गया कि अंदर का, बाहर का फ्रंट गेट था वो लॉक था, लेकिन ये जो जहाँ से रूम बने हैं, यहाँ का पहले कमरे का दरवाज़ा टूटा, दूसरे कमरे का दरवाज़ा ताला टूटा, और अंदर की दोनों अलमारियाँ खुली पड़ी थी, लॉकर टूटे हुए हैं दोनों के, पूरा सामान गायब है, ज्वेलरी गायब है, कुछ चांदी वांदी के बर्तन थे वो गायब हैं, और अंदर का ट्रंक पूरा खोला गया। ट्रंक में केवल रजाई, गद्दे, कंबल, ये सब चीज़ें थी, तो उसमें से कोई सामान मिसिंग नहीं है, लेकिन खुला पूरा पड़ा था। लगभग कितने का सामान गया? तकरीबन मेरा 2.5-3 तोले का तो गोल्ड गया है, अंदाज से ये तकरीबन 3.5 लाख तक का सामान मेरा गया है, क्योंकि उसमें चांदी के सिक्के शामिल हैं, बर्तन शामिल हैं, चूड़ियां शामिल हैं, पायल बिछिया वगैरह 8-10 जोड़ी गायब हैं। संतान सप्तमी की कम से कम 20-25 चूड़ियां थीं, और लक्ष्मी, जो लक्ष्मी पूजन में हम लोग सिक्के लेते हैं, तो बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक का सिक्का था, वो तकरीबन 20-25 सिक्के। जब से मेरी, मतलब 2000 में मेरी शादी हुई, तो हर साल ही लेते थे, तो वो अभी तक के पूरे इस तरह से, और कुछ गिफ्ट वगैरह भी मिलते हैं, जैसे वो सब शाम गोल्ड में और ज्वेलरी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है।
ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।